दोस्तों, आज हम सुनेंगे सिंहासन बत्तीसी की सातवीं कहानी। ये कथा सिंहासन बत्तीसी की सातवीं पुतली कौमुदी के द्वारा सुनाई गई। वो कथा कुछ इस प्रकार है। कथा का शीर्षक है विक्रमादित्य और पिशाचिनी। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद करुण क्रंदन सुनकर टूट गई। उन्होंने ध्यान लगाकर सुना तो रोने की आवाज़ नदी की तरफ से आ रही थी और कोई स्त्री रोए जा रही थी। विक्रम की समझ में नहीं आया कि कौन सा दुख उसके राज्य में किसी स्त्री को इतनी रात गए बिलक बिलक कर रोने को विवश कर रहा है। उन्होंने तुरंत राज परिधान पहना और कमर में तलवार लटकाकर आवाज़ की दिशा में चल पड़े। शिप्रा के तट पर आकर उन्हें पता चला कि आवाज़ नदी के दूसरे किनारे पर बसे जंगल से आ रही है। उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगा दी और तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंच गए। फिर चलते चलते उस जगह पहुंचे जहां से रोने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने देखा कि झाड़ियों में बैठी एक स्त्री रो रही है। उन्होंने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। स्त्री ने कहा कि वो कई लोगों को अपनी व्यथा सुना चुकी है मगर कोई फायदा ना हुआ। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि वे उसकी मदद करने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। तब स्त्री ने बताया कि वो एक चोर की पत्नी है और पकड़े जाने पर नगर कोतवाल ने उसे वृक्ष पर उल्टा टंगवा दिया है। राजा ने पूछा क्या वो इस फैसले से खुश नहीं है। इस पर औरत ने कहा कि उसे फैसले पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो अपने पति को भूखा प्यासा लटकता नहीं देख सकती। चूंकि न्याय में इस बात की चर्चा नहीं है कि वो भूखा प्यासा रहे, इसलिए वो उसे भोजन और पानी देना चाहती है। विक्रमादित्य ने पूछा कि अब तक उसने ऐसा क्यों नहीं किया। इस पर औरत बोली कि उसका पति इतनी ऊंचाई पर टंगा हुआ है कि वो बगैर किसी की सहायता के उस तक नहीं पहुंच सकती और राजा के डर से कोई भी दंडित व्यक्ति की मदद को तैयार नहीं होता। तब विक्रम ने कहा कि वो उनके साथ चल सकती है। दरअसल वो औरत पिशाचिनी थी और वो लटकने वाला व्यक्ति उसका पति नहीं था। वो उसे राजा के कंधे पर चढ़कर खाना चाहती थी। जब विक्रमादित्य उस पेड़ के पास आए तो वो उस व्यक्ति को चट कर गई। तृप्त होकर विक्रम को उसने मनचाही चीज मांगने को कहा। विक्रम ने कहा कि वो अन्नपूर्णा प्रदान करे जिससे उनकी प्रजा कभी भूखी ना रह सके। इस पर वो पिशाचिनी बोली कि अन्नपूर्णा देना उसके बस में नहीं, लेकिन उसकी बहन प्रदान कर सकती है। विक्रम उसके साथ चलकर एक नदी के किनारे आए जहां एक झोपड़ी थी। पिशाचिनी की आवाज देने पर उसकी बहन बाहर निकल आई। बहन को उसने राजा का परिचय दिया और कहा कि विक्रमादित्य अन्नपूर्णा के सच्चे अधिकारी हैं, अतः वो उन्हें अन्नपूर्णा प्रदान करें। उसकी बहन ने सहर्ष अन्नपूर्णा उन्हें दे दी। अन्नपूर्णा लेकर विक्रम अपने महल की ओर रवाना हुआ। तब तक सुबह हो चुकी थी। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। उसने राजा से भिक्षा में भोजन मांगा। विक्रम ने अन्नपूर्णा पात्र से कहा ब्राह्मण को पेट भर भोजन कराए। सचमुच तरह तरह के व्यंजन ब्राह्मण के सामने आ गए। जब ब्राह्मण ने पेट भर खाना खा लिया तो राजा ने उसे दक्षिणा देना चाहा। ब्राह्मण अपनी आंखों से अन्नपूर्णा पात्र का चमत्कार देख चुका था, इसलिए उसने कहा अगर आप दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो मुझे दक्षिणा स्वरूप ये पात्र दे दें ताकि मुझे किसी के सामने भोजन के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। विक्रमादित्य ने सहज ही बेहिचक उसी क्षण उसे वो पात्र दे दिया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर वहां से चला गया और वो अपने महल को लौट आए। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई और रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।